दोस्तों मैं अभिषेक शर्मा आपकी अपनी पाठशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं आई होप आप स्वस्थ होंगे शानदार होंगे मस्त होंगे आज जैसा कि कि आप सभी को पता है यूपी पीसीएस के द्वारा जो आरो और की वैकेंसी आई है उसी के रिगार्डिंग हम लोग सुबह से शाम तक आपको हर दिन सात घंटे की क्लासेस मिल रही है उसमें अलग अलग टाइम पे अलग अलग टीचर्स के द्वारा पीवाई की जो सीरीज कराई जा रही है उसी के रिगार्डिंग मैं अभी शाम को अभी इस समय हम लोग हिस्ट्री के जो पीवाई क्यूज हैं उसको आज करेंगे और आज के इस सेशन में हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि सबसे पहले हम लोग ट्रेंड को समझेंगे जैसा कि आपको सब सबको पता है कि हम लोगों ने ऑलरेडी 2016 और 17 के जो पीवाई क्यूज हैं वो कवर कर लिए हैं तो आज के इस को, आज के इस सेशन में हम लोग जो टू है उसके पी वाई क्यूज को करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आपके एग्जाम का जो लेवल है कैसे डे बाय डे बढ़ रहा है और आज के समय आपको जो 2021 की जो पीवाईक्यूज की जो सीरीज है ये जो 2021 की जो पीवाईक्यूज की जो सीरीज है उसको देख के आपको पता चलेगा कि ट्रेंड कैसे बदल रहा है और आज की अगर बात करें यानी दो में जो आपका लास्ट एग्जाम हुआ है आर और यार का यानी आरू और यारो का, और यारो का जो 2021 में लास्ट एग्जाम हुआ है उसको देख के ऐसा लगता है कि आयोग ने पूरा मन बना लिया है कि जो इसका लेबल है वो यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स के बराबर लेके जाना तो आपको अपनी तैयारी बहुत दमदार करके जानी होगी ऐसा नहीं कि केवल आप वन लाइनर क्वेश्चन रट के चले गए तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा क्योंकि आपके इस एग्जाम में इस बार जो बच्चे यूपी पीसीएस की सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सारे के सारे बच्चे सारे के सारे कैंडिडेट बैठने वाले हैं आज के इस सेशन में सबसे पहले आप लोग को थोड़ा सा क्वेश्चन क्या होगा जो 2016 और 17 के क्वेश्चन थे उसके कंपेरिजन में थोड़ा सा इसका लेवल थोड़ा सा हाई लगेगा लेकिन डरने की बिल्कुल बात नहीं है हम लोग कोशिश करेंगे कि जो पीवाईक्यूज को सॉल्व करने के जो डिफरेंट टेक्निक्स एंड टूल्स होते हैं उसको डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि मैं सबसे पहले आपको यह बताऊंगा कि एज ए स्टूडेंट आप कैसे पीवाईक्यूज को जब सॉल्व कर रहे हैं चाहे जब आप एग्जाम के लिए जाएंगे जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं तो जो एलिमिनेशन मेथड है कौन सा मेथड जो एलिमिनेशन मेथड है इसको अप्लाई करके यानी कम से कम इंफॉर्मेशन में कैसे आप अपने उत्तर तक पहुंच सकते हैं तो आइए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आज जो आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है ये 2021 के आज की सीरीज में पूरे के पूरे 2021 के आर ओ और आर ओ के जो प्रीलिम्स है उसमें जितने हिस्ट्री के क्वेश्चन आए हैं उसको लिया गया है एक बात और क्लियर कर दूं जैसा कि आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि आपको अपनी तैयारी क्वेश्चन मतलब किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं उसको ध्यान में रख के करना है तो मैं आज अगर आपकी बात करूं कि आपके एग्जाम में प्रिलिम्स में हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन आएंगे तो आपको याद रखना है कि ये हिस्ट्री के आपको 20 से 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा यानी आपका हिस्ट्री का जो सेक्शन है आपके एग्जाम की दृष्टि से प्रिलिम्स की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है तो आइए चलते अपने सेशन की तरफ और हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक क्वेश्चन को समझते हैं कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए सॉल्व करने की है ना तो हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन कल की जब आपको आपको जिस भी प्रकार की क्वेरीज है क्वेश्चन है जो भी है आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए जैसे पहल, कल के क्वेश्चन में क्या था कि हम लोगों ने केवल हिंदी मीडियम केवल हिंदी में क्वेश्चन को रखा था तो जब मैं कमेंट बॉक्स देख रहा था तो उसमें बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि सर बायोग लाओ बायोग लाओ है ना तो क्वेश्चन आज के आज के हम लोग इस सीरीज में क्वेश्चन को दोनों लैंग्वेज में लाए हैं ताकि किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो है ना तो हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि काकोड़ी केस में प्रधान आरोपी राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई है ना तो यहाँ पे आप शहर देख सकते हैं वाराणसी गोरखपुर कानपुर लखनऊ ऐसे अगर क्वेश्चन और हाल ही में अगर हम लोग हाल ही में ये तो दो हजार इक्कीस की बात करें तो दो हजार इक्कीस में ये क्या था न्यूज में था क्यों न्यूज में था क्योंकि जो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसने जो काकोरी षड्यंत्र केस है ना इसका नाम बदला था इसलिए जो यूपी पीसीएस पीसीम हो चाहे तक यूपीएससी में भी ये क्या था इस टॉपिक से क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा थी और अभी भी बनने की संभावना ज्यादा है तो आज में आज हम लोग समझेंगे तो सबसे पहले ये याद रखिए कि हाल ही में क्या हुआ था कि सरकार ने जो काकोरी षड्यंत्र केस है इसको इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया है काकोरी

कि को, जो काकोड़ी षडयंत्र केस है इसका दो में सरकार ने ये जो षड्यंत्र वर्ड है इसको हटा के यहां पे एक्शन वर्ड रख दिया इस यहां तक हम लोगों ने समझ लिया इसके बाद सबसे पहले यहां पे ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो काकोड़ी केस हुआ था यानी जो काकोरी कॉन्स्परेसी केस था ये हुआ क्यों इसके पीछे बैकग्राउंड क्या था और इसकी डेट क्या थी तो आपको ये याद रखना है ये कब हुआ था यानी नाइन्थ अगस्त अगस्त, ट्वेंटी फाइव में ही हुआ था और उसके बाद अगर इसकी जगह की बात करें तो सहारनपुर सहारनपुर से लखनऊ सहारनपुर से लखनऊ के बीच में एक ट्रेन चलती थी जिसको बोलते थे एट डाउन ट्रेन उस एट डाउन ट्रेन को नाइन अगस्त नाइनटीन ट्वेंटी फाइव को ये एक संस्था थी आप लोग इसको याद रखोगे एच आर ए यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े जो कुछ क्रांतिकारी सदस्य थे और इसकी अगर स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुआ था तो 1924 में एचआरए की स्थापना की गई थी और एचआरए के एचआरए के जो मेंबर थे उन्हीं के द्वारा जो ये घटना थी उसको अंजाम दिया गया और ये यहाँ पे सहारनपुर और लखनऊ के बीच में एक जो ट्रेन चलती थी एट डाउन ट्रेन उसको ये लूटने का काम किया गया इस लूटने में बहुत सारे लोगों का रोल था उसमें अगर हम लोग कुछ किसी खास व्यक्ति की बात करें तो इसमें राजेंद्र लाहड़ी रोशन सिंह अश्फाक उल्ला राम प्रसाद बिस्मिल इनके अलावा और भी मेंबर थे जिनको पकड़े जाने पे या तो आजीवन करास, करावास की सजा हुई या चार साल की सजा हुई है ना तो उसके बाद अगर हम लोग इनकी बात करें तो जो चार मुख्य आरोपी थे उनको क्या होगा अलग अलग यानी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर उनको फांसी दिया गया तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक जो मुख्य जो यहाँ पे आरोपी बोल सकते हैं आरोपी तो क्या होगा ये जब हम लोग यूरोसेंट्रिक थॉट से पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आरोपी वर्ड बोलेंगे लेकिन ये आरोपी नहीं थे क्योंकि क्या थे ये क्रांतिकारी थे यानी भारतीयों के लिए तो क्रांतिकारी कंसिडर किए जाएंगे तो ये जो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल थे इनको गोरखपुर जेल में फांसी दी गई बाकी के जो तीन जो क्रांतिकारी थे इनके साथ अश्फाकुल्ला खान राजेंद्र लाहड़ी रोशन सिंह इनको उत्तर प्रदेश की किन किन जगहों पे फांसी दी गई ये आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं है ना तो आई होप इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था क्वेरीज था आपके सॉल्व हो गए होंगे अगर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आ रहा है तो जैसे यहां पे आपके क्वेश्चन बाइलेंगल में भी है तो आपको समझने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी और मैं मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें बाइलेंगुल में ही समझाई जाए, जाए है ना तो इसमें बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ अब आप देख पा रहे हैं कि दो हजार इक्कीस का जो पेपर है दो हजार इक्कीस का जो पेपर है उसमें उसका डिफिकल्टी लेवल कैसा है ना तो अब हम लोगों ने पिछले दो क्लासेस में मैंने क्या डिस्कस करा है कि हम लोग जो एक टेक्निक का यूज कर रहे हैं वो क्या है एलिमिनेशन मेथड यानी कि कि सपोज आपको केवल एक ऑप्शन के बारे में या दो ऑप्शन के बारे में कंफर्म जानकारी है तो आप कैसे अपने सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं ना इसको हम लोग क्या करेंगे जब तक ये सेशन चलेगा यानी जब तक ये पीवाई की यूज हो गया चाहे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस सेट है वो जब तक चलेगी तब तक हम लोग क्या करेंगे उसको चीजों को सॉल्व करते हुए उस चीजों को इंक्लूड करते हुए चलेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यानी आपके एग्जाम में क्रोनोलॉजी से रिलेटेड यानी जो क्रोनोलॉजी है उससे रिलेटेड आपको छह या सात क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा तो यहाँ पे देख पा रहे हैं पहला क्या है ऑर्डर लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हिक्की के बंगाल गजट की स्थापना प्रकाशन बंग सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना तो आप यहां पे देख पा रहे हैं जो इंग्लिश में है वो क्या है कि ऑफ ऑफ सर्वेंट आफ इंडिया सोसाइटी बाय गोपाल कृष्ण गोखले दूसरा पहला क्या है ऑफ गदर पार्टी बाय लाला हरदयाल उसके बाद क्या है पब्लिकेशन ऑफ हिकीस बंगाल गजट उसके बाद क्या है चौथा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बंगाल एसियाटिक सोसाइटी बाई सर विलियम तो अब यहां पे ये सारी चीजें आप देख पा रहे हैं अब इनमें अगर हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि इसमें से कौन सबसे पहले था तो यहां पे देख पा रहे हैं कि बाकी के ये जो तीन जो हम लोग के ऑप्शन है चाहे वो ऑप्शन पहला हो या ऑप्शन दूसरा हो या ऑप्शन ये तीसरा हो है ना तो ये बाद की घटना है इसमें आप हो सकता है ना जो तीसरा और जो चौथा है इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन है लेकिन ये जो दो घटनाएं है इससे आप श्योर हैं कि ये क्या है ये जो ट्वेंटी की दशक है यानी जो बीसवीं शताब्दी का शुरुआती दौर है उसमें ये घटनाएं घटित हुई बाकी के ये जो दो हैं उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा तो या तो तीसरा पहले आएगा नहीं तो चौथा पहले आएगा अब अगर हम लोग इसकी डेट की बात करें तो जो जेम्स हिक्की ने बंगाल गजट का प्रकाशन किया यानी भारत में जो पहली समाचार पत्रिका थी वो कब आया था तो सेवेंटी एटी में आया था कब आया था सेवनटी एटी में आया था और कहां से निकला था तो ये कोलकाता से निकला था कोलकाता से इसका प्रकाशन हुआ और ये जेम्स अगस्ट खिकी के नेतृत्व में उसके बाद अगर हम लोग बात करें बंगाल एसियाटिक सोसाइटी तो उसकी स्थापना कब हुई थी तो यानी सबसे पहले क्या आएगा ऑप्शन तीन सबसे पहले आएगा तो ऑप्शन तीन किसमें किसमें है तो आप देख पा रहे हैं कि पहले में नहीं है फिर से तीसरे में नहीं है या तो ऑप्शन बी होगा नहीं तो डी होगा उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो उसके बाद क्या होना चाहिए हम लोग का ऑप्शन ये ये सबसे पहले आप यहां पे देख पा रहे हैं उसके बाद क्या होना चाहिए चौथा होना चाहिए तो तीसरे के बाद चौथा इसमें भी आया इसमें भी आया अब यहां पे आता है तो गोपाल कृष्ण गोखले ने ये जो सर्वेंट इंडिया सर्वेंट ऑफ ऑफ इंडिया इंडिया सोसाइटी सोसाइटी की स्थापना करी थी तो इन्होंने जीरो फाइव में करा था कब किया था नाइनटीन जीरो फाइव में किया था और लाला हरदयाल की अगर गदर पार्टी की स्थापना की बात करें तो इन्होंने नाइनटीन हंड्रेड थोटीन में किया था तो यहां से देख पा रहे हैं यानी जो पहला होगा सबसे लास्ट में आएगा तो पहला सबसे लास्ट में किसमें है यानी इसमें इसमें तो आंसर हम लोग का क्या होगा बी होगा अब इसके अलावा बाकी के जो ऑप्शन यानी जो और ऑप्शन इससे और क्या क्या संभावित प्रश्न बन सकते हैं भी पानी। हाँ। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो लाला हरदयाल इनसे कौन कौन से और प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में आपके क्वेश्चन ये आता है कि गदर पार्टी की स्थापना कहां पे हुई थी तो गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के जो सैन फ्रांसिस्को एक शहर है कौन सा शहर है सैन फ्रांसिस्को हाँ। तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में 1930 में हुई थी शुरुआत के दिन वो क्या हुआ था कि यानी भारत के आप बाहर देखें तो भारत के बाहर चाहे वो अमेरिका हो चाहे कनाडा हो चाहे जर्मनी हो है ना तो भारत के बाहर भी अलग अलग स्वतंत्रता की लड़ाइया भारत के लिए लड़ी जा रही थी तो उसी के उसी समय में क्या हुआ था लाला हरदयाल सोहन सिंह ढाखना बाबा गुरुनाम सिंह इन लोगों के द्वारा क्या हुआ कि अमेरिका के जो सैन फ्रांसिस्को शहर था वहां पे सबसे पहले ये गदर गदर नाम से उन्होंने क्या किया साप्ताहिक पत्रिका निकाला और बाद में ये क्या हो गया ये इसको पार्टी का रूप दे दिया गया तो इसको आपको याद रखना है कई बार क्या होता है जब इसका डिफिकल्ट जैसे कि बाद इसमें बात करी जो लाला हरदयाल आप देख रहे हैं तो एज अ टीचर इन्होंने स्टैन फोर्ड यूनिवर्सिटी जो था उसमें एज अ टीचर भी काम किया था अगर इसके पहले अध्यक्ष की बात करें तो सोहन सिंह भाखना इनका आपको नाम याद रखना है सोहन सिंह भाखना हाँ सोहन सिंह भाखना इसके प्रथम अध्यक्ष थे लेकिन इसको पॉपुलराइज करने का काम किसके द्वारा किया गया था तो लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले से और कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं तो यानी जो 1905 का बनारस सेशन था 1905 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो बनारस सेशन था उसको प्रिसाइड किसके द्वारा किया गया था तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था और गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु के भी रूप में जाना जाता है ना तो आपको ये चीजें इसमें से ये सारी चीजें याद रखनी है ना बट इस क्वेश्चन इस, इस में आपको किसी भी प्रकार का डाउट है

कि भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है यानी प्रावधान किया गया था जो भारत में होनी थी दूसरा ऑप्शन जो स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि भारतीय सिविल सेवा में 1941 में यानी भारतीयों की जो संख्या थी वो यूरोपियन के कंपैरिजन में ज्यादा थी अगर हम लोग इंग्लिश वाले क्वेश्चन की बात करें तो government of india act 1919 provided for the separate examination for the indian civil services which was to be held in india dusra statement kya bol raha hai ki in the indian civil services 1941 the percentage of indians was more compared to the european अब दोनों question को दोनों statements को हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं आपको पता है कि भारत में क्या था कि 1853 का जो Charter Act था जो 1853 का जो चार्टर एक था उसमें क्या हुआ कि भारतीयों के लिए पहली बार अनुमति दी गई कि आप सिविल सर्विसेज में क्या कर सकते हो पार्टिसिपेट कर सकते हो लेकिन इसमें कब पार्टिसिपेट किया यानी जो पहला जो भारतीय बना वो कब बना एटीन में बने और वो कौन बने तो वो सतेंद्र नाथ टैगोर सत्येंद्र नाथ तेंद्र नाथ टैगोर एटीन में पहले आईसीएस बने उसके बाद के दिनों की बात करें तो जब ये एटीन में जब ये चीजें उनको अनुमति मिली तो उस समय तक यानी ट्वेंटी तक ये पेपर कहां पे होता था तो लंदन में हुआ करता था और उसमें शर्तें क्या थी शर्तें ये थी कि वो पेपर केवल और केवल इंग्लिश में होता था है ना इंग्लिश में होता था और लंदन होता था इसके अलावा इसके बावजूद भी एक भारतीय ने 1863 में वो एग्जाम को क्वालिफाई किया केवल सत्येंद्र नाथ टैगोर की बात नहीं है बाद के दिनों में अरविंदो घोष की बात करें उन्होंने भी इस एग्जाम को क्वालिफाई किया यह हालांकि अलग बात है कि वो जो घुड़सवारी की जो उसमें एक एग्जाम एक होता था उसको वो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे उसी के साथ साथ सुभाष चंद्र बोस की अगर हम लोग बात करें तो सुभाष चंद्र बोस ने भी जो आईसीएस का एग्जाम था उसको फोर्थ रैंक से क्वालिफाई किया था है ना तो फोर्थ रैंक से आईसीएस का एग्जाम उन्होंने क्वालिफाई किया था इसके बाद के दिनों की बात करें तो नाइनटीन में क्या हुआ जो मॉन्टेग्यू चम्स रिफॉर्म था उसमें यह प्रावधान किया गया कि अब भारत में भी क्या होगा इसकी एक अलग से परीक्षा कराई जाएगी है ना तो पहला स्टेटमेंट तो सही है दूसरा क्या बोल रहा है कि भारतीय सिविल सेवा में नाइनटीन में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था तो यह स्टेटमेंट भी सही है कि नाइनटीन आते आते जो भारतीयों की जो संख्या थी वो क्या हो गया बढ़ गया था यूरोपीय से तो दोनों हम लोग के स्टेटमेंट सही है तो हम लोग का आंसर क्या होगा सी है ना तो आई होप इससे इस क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है है ना

और आप लोग ये चीजें मतलब अपने घर में सुने भी होंगे जैसे क्या होता है हम लोग के जो दादा दादी जी होते हैं वो क्या होता है ना जैसे कहते हैं ना किसी के बारे में जब हम लोग बताते हैं तो कहते हैं कि चेहरा तो याद होगा नाम नहीं पता है ना नाम नहीं क्यों पता है क्योंकि पिक्चर्स जो चीजें होती है ना वो ज्यादा समय तक हम लोग के माइंड में रिकॉल होता है तो नेक्स्ट सेशन से क्या करेंगे यानी हर क्वेश्चन के साथ कुछ ना कुछ पिक्चर एड करके आएंगे ताकि इसी सेशन के दौरान जो भी चीजें आपको बातें बताई जा रही हैं वो सारी की सारी चीजें आपको यहीं पे याद हो जाए है ना आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है ना तो और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इस चीज को हम लोग आगे आने वाले सेशन में करने वाले हैं ना तो इस क्वेश्चन में देख पा रहे हो आप कि कानपुर उत्तर प्रदेश में जो भीतरगांव मंदिर है उससे रिलेटेड दो स्टेटमेंट दिया है स्टेटमेंट क्या है पहला स्टेटमेंट किस मंदिर का निर्माण चौथी यहां पे माफ करिएगा यहाँ पे चौथी नहीं होगा टाइपिंग एरर है यहाँ पे फिफ्थ सेंचुरी होगा देखिए एक चीज और देखिए यहां पे ये चीजें आ गया तो मैंने बता दिया कि कई बार क्या होता है ना कि जब चीजें में थोड़ा सा ना जैसे कि मान लो आप कुछ चीजें पढ़ के जा रहे हो उसमें थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है ना तो आपको जो इंग्लिश वाला जो वो है क्या कहते हैं इंग्लिश वाला जो वर्जन है उसको बिल्कुल देखना है क्योंकि कई बार क्या होता है ना हिंदी वाला जो पार्ट है उसमें एरर होने के कारण या टाइपिंग एरर होने के कारण अगर आप ध्यान नहीं देते हैं ना तो आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहता है ना तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये टाइपिंग एरर होने एर अगर आप इस चीज को कंसीडर करके चलते तो बिल्कुल ये क्वेश्चन गलत करने वाले हैं ना तो आपको हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों वाले पार्ट को देख के चलना है ना कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जब भी थोड़ा सा भी डाउट आ रहा है ना दिमाग में जब आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होगा तो आपको तुरंत उसका इंग्लिश वाला वर्जन देख लेना है ना ये कर, कार्य करना है तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि द टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द फिफ्थ सेंचुरी एडी टू सिक्स सेंचुरी एडी पहला स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रिक टेम्पल ऑफ इंडिया दूसरा है ना अब ये क्या बोल रहा है अब जो बच्चे कानपुर के होंगे है ना उनको बखूबी पता होगा आए कानपुर के नहीं भी होंगे तो जो लोग कानपुर गए होंगे ये मंदिर विजिट करने उनके बारे में पता होगा तो इस मंदिर में की खासियत हम लोग बात करें तो ये क्या हुआ था ये पांचवी से छठी यानी इसके टाइम पीरियड की बात करें तो पांचवी से छठी शताब्दी के, के समय में बना था और ये किसके टाइम पीरियड में बना था तो गुप्ता डायनेस्टी के जो रूलर थे तो ये ईटो से निर्मित भारत के सबसे प्राचीनतम मंदिरों में आता है ना तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है सही है तो हम लोग का आंसर क्या होगा एक व दो आपके एग्जाम में क्या होता है ना मंदिरों से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं अब वो मंदिर की निर्माण शैली को लेकर पूछा जाता जा सकता है चाहे जो निर्माण शैली है जो निर्माण शैली है निर्माण शैली में कौन कौन से मुख्य होते हैं वो तीन प्रमुख होता है कौन कौन तो बेसर नागर या द्रविड़ हाँ, तो मंदिर की निर्माण शैली से क्वेश्चन आ सकता है चाहे मंदिर का लोकेशन पूछ सकता है जैसे मान लीजिए कि खजुराहो के बारे में बहुत पूछ देता है कि खजुराहो का मंदिर कहां पे लोकेटेड है किन शासकों के द्वारा बनवाया गया था तो है हाँ ना तो खजुराहो के मंदिर के बारे में ये मतलब एक जो मंदिर है जो बहुत बार मतलब मोस्ट रिपीटेड के कैटेगरी में रख सकते हैं ये इस मंदिर के बारे में जनरली चाहे आप वनडे के लिए जा रहे हैं चाहे सिविल के लिए जा रहे हैं तो ये बहुत बार पूछा जाता है और इसको याद रखना है क्या कि खजुराहो के मंदिर कहाँ पे स्थित है सबसे पहले तो एमपी में स्थित है ना एमपी में स्थित है दूसरा चीज ये कि ये किन शासकों के द्वारा बनवाया गया था तो ये चंदेला डायनेस्टी के रूलर के द्वारा बनवाया गया था किन द्वारा जो चंदेला डायनेस्टी के रूलर थे उनके द्वारा बनवाया गया था बाकी के जब हम लोग इस सिलेबस को डिटेल तरीके से थ्योरी वाला पार्ट डिस्कस करेंगे तो सारे मंदिर को चाहे वो नॉर्दर्न इंडिया के मंदिर हो चाहे सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के मंदिर हो उनकी निर्माण शैली सारी चीजों को बहुत शानदार तरीके से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तो इसमें क्या होता है इसमें थोड़ा सा टारगेट भी है हम लोग का कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए है ना ताकि एक सेशन में कोशिश करें कि एक साल के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से तो उसको डिस्कस कर ले है ना तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि सारे चीजों को डिटेल में बताना है ना तो आई होप इससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट हैं क्लियर हो गए होंगे है ना बढ़ते अपने नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन की तरफ, क्लास, आ, की तरफ तरफ क्लास क्वेश्चन हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में आने वाला पुर्तगाल का नहीं था यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जब भी वर्ड यहाँ पे जब पढ़ रहे हो ना तो था कि नहीं था ना इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है ना तो यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया नहीं था यहाँ पे क्वेश्चन इंग्लिश वाला देख लेते हैं हु अमंग द द द फॉलोइंग विजिटर्स टू टू इंडिया बिलोंग पुर्तुग कंट्री यानी कंट्री यानी कौन ऐसा इन तीनों में से कौन ऐसा यात्री था जो पुर्तगाल देश से बिलोंग नहीं करता है ना अब आप चाहे वो मध्यकालीन भारत की बात करें चाहे आधुनिक भारत की बात करें चाहे एंसियंट पीरियड की बात करें बहुत करे, करे, सारे मतलब विदेशी विद्वान यहाँ पे आए ट्रैवल किए उसके और उन अलग अलग अपने जैसे चाहे शिक्षा के लिए हो चाहे व्यापार के लिए हो चाहे चीजों की जानकारी जुटाने के संदर्भ में तो बहुत सारे व्यापारी आए बहुत सारे यात्री आए अलग अलग देश से उसी संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो मध्यकालीन भारत में पुर्तगाल जो एक जो कंट्री है वहां से बहुत सारे क्या हुए बहुत सारे ट्रेवलर आए उन ट्रेवलर में जो तीन प्रमुख हैं उसमें बता रहा है क्या कि कौन इसमें से नहीं है तो अगर हम लोग बात करें बारबोशा की चाहे डोमिंगो पायस की या फरनाउनिज की तो ये तीनों की तीनों कहां से बिलोंग करते हैं ये तीनों के तीनों पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं और जबकि पीटर मुंडी कहां से बिलोंग करते हैं तो ये ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं ना कहां से बिलोंग करते हैं तो ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं अब देखो अब प्रिटेन जो पीटर मुंडी इनसे और किस टाइप के आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में आपके ये प्रश्न बना है कि पीटर मुंडी जो एक ब्रिटेन का था यानी जो एक अंग्रेज था किनके शासनकाल में आया था तो आपको याद रखना है ये शाहजहां के शासनकाल में आया था शाहजहां के शासन काल में आया था दूसरी चीज ये कि यूपी पीसीएस के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से आप जब गो थ्रू होंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि एक और सवाल ये बना है कि शाहजहां के टाइम पीरियड में जो अकाल पड़ा था उसका वर्णन कौन करता है तो पीटर मुंडी करता है बाकी की ये जो तीन जो व्यक्ति हैं ये पुर्तगाल से बिलोंग करते थे और ये कहां की यात्रा पे आए थे तो ये विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पे आए थे विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पे आए थे तो आई होप यानी इन यात्रियों से रिलेटेड जो भी आपके डाउट हैं, आपके सब कंप्लीट हो गए होंगे हाँ ठीक खजुराहो चंदेलाइट हाँ तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है सबसे पहले इस क्वेश्चन पे आने से पहले एक चीज और मैं बता दूं कि जब हम लोग क्या करेंगे जब हम लोग जब ये वाला सेक्शन यानी पीवाई की जो सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के जो जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं उनकी सीरीज लाने वाले हैं उसके बाद डिटेल आपकी जो थ्योरी वाला पार्ट है यानी जो प्रीवियस प्रीवियसर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करने के बाद यानी जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है उसके रिगार्डिंग हम लोग क्या करने वाले हैं आपको पूरे सिलेबस को कवर करने वाला है ना तो किसी भी प्रकार की चिंता लेने की बात नहीं है अपनी पाठशाला की पूरी टीम आपके लिए एकदम दिनों रात शिद्दत से लगी हुई है और समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी बनने की आपकी जो जर्नी है वो जर्नी केवल आपकी नहीं है ये जर्नी हम लोग की भी है मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जब जिस दिन आप एग्जाम दे के आएंगे तो वो उस दिन एग्जाम हम लोग का भी होगा कि हम लोगों ने जितना पढ़ाया उसमें से कितनी चीजें आई पढ़ा तो सब कोई देता है लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात होती है तो वो बड़ी चीज होती है है ना तो इस चीज के लिए अपनी पाठशाला की जो पूरी टीम है ये दिन रात मेहनत कर रही है ताकि जितनी चीजें पढ़ाई जाए वो रिलेवेंट हो और आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो है ना तो हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन क्या देख पा रहे हैं कि अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था है ना इंग्लिश वाला देखते हैं क्या बोल रहा है हु लीड द बनारस रिवेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स अब एक बात करें यानी जो बनारस के जो स्टूडेंट होंगे चाहे बनारस इलाहाबाद से जो भी जुड़े हुए व्यक्ति होंगे चाहे अगर नहीं भी आप बनारस से जुड़े हैं अगर आप बनारस कभी गए होंगे तो जब आप आसी घाट से आसी घाट से जब आप मणिकर्णिका मणिकर्णिका घाट की तरफ जाते हैं ना तो बीच में आपको एक चेत सिंह का किला दिखेगा किन का किला दिखेगा चेत सिंह का आपको किला दिखेगा तो वो चेत सिंह कौन थे वो चेत सिंह यही थे है ना जिन्होंने क्या किया था बनारस का विद्रोह का नेतृत्व किया था और जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे वॉरेन हेस्टिंग्स को भागने पे मजबूर कर दिया था और इनके अगर टाइम पीरियड की बात करें तो आपको पता है कि इनकी टाइम पीरियड कब था 1774 से लेके 85 तक थे शुरुआत के दिनों में ये क्या मतलब जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उसके बाद ये गवर्नर जनरल से मतलब गवर्नर से गवर्नर जनरल बने है ना इस चीज को आपको याद रखना है तो ये वारेन हेस्टिंग्स के टाइम में था और सबसे बड़ी बात यह है कि बनारस विद्रोह का नेतृत्व तो किसने प्रदान किया था तो राजा चेत सिंह ने प्रदान किया था आपको याद रखना है जब भी आप बनारस जाएंगे ना तो राजा चेत सिंह का जो किला होता है घाट के पास में ही पड़ता है ना तो आप देख सकते हैं बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु तो एक विशेष सेना को नियुक्त किया था यानी क्वेश्चन ये इंग्लिश वाला देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान अपॉइंटेड एज स्पेशल आर्मी टू द प्रोटेक्ट टू प्रोटेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर यानी इनमें से कौन ऐसा सुल्तान था यानी जो बाउंड्री थी उनकी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्पेशल आर्मी को गठन किया था तो यहाँ पे ऑप्शन देख पा रहे हैं नसरुद्दीन महमूद बलबन या अलाउद्दीन खिलजी तो आपको पता होगा कि अलाउद्दीन खिलजी एक व्यक्ति था यानी अलाउद्दीन खिलजी खिलजी डायनेस्टी का जो सेकेंड रूलर था उसने क्या किया था सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए क्या किया था इसने एक स्पेशल आर्मी बना रखी थी आपको पता है कि अलाउद्दीन खिलजी के ही टाइम में मंगोलों का जो आक्रमण हुआ था किनका यानी जो मंगोल आक्रमण हुआ था उस मंगोल आक्रमण से बचाने के लिए इसने क्या किया स्पेशल आर्मी नियुक्त की थी इससे पहले एक चीज हो चुका था कि वहां पे वहां पे दिल्ली को उन्होंने कम से कम अराउंड दो या तीन महीने तक उन्होंने क्या किया था घेर के रखा था और ये उसको जो सीरी का किला है जो सीरी का किला है वहां पे उसको मतलब बंद रहने में उसको विवश कर दिया किसको अलाउद्दीन खिलजी को है ना तो इस बात इसी बात से उसने क्या किया इंस्पायर होकर उसने बाउंड्री जो थी उसको सुरक्षित करने के उद्देश्य से उसने स्पेशल आर्मी का गठन किया था बाकी हम लोग इल्तुतमिस की अगर बात करें तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद बने और इनको क्या बोला जाता है तो गुलामों का गुलाम बोला जाता है गुलामों का गुलामों का गुलाम क्यों बोला जाता है क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था मोहम्मद गोरी का और जो मोहम्मद गोरी का और जो इल्तुतमिश थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम थे है ना और इल्तुतमिश अगर जब हम लोग दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक की बात करते हैं तो वो कौन थे तो क्या, तो क्या किया उसको दिल्ली ट्रांसफर कर दिया और इल्तुतमिस से और कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं तो आपको याद रखना है कि इलतुतमिस ने दीवान मतलब एक चालीस सरदारों का एक दल गठन किया गया था जिसे चहलानी जिसको चहल के नाम से जानते हैं और इसके बाद इनसे और कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं तो जो ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार की नींव रखी गई थी उसको पूरा करवाने का काम किसके द्वारा किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा इल्तुतमिश की जो डॉटर थी यानी रजिया रजिया मतलब पूरे भारत की अगर बात करें मध्यकालीन भारत में प्रथम मुस्लिम शासिका बनने वाली प्रथम लेडी थी और इसके टाइम की बात करें तो 1236 से लेके 40 तक था है ना ये सारी चीजें आपको याद रखना है बाकी अगर हम लोग बलबन के बारे में बात करें तो बलबन से और कौन कौन से आपके प्रश्न बन सकते हैं तो बलबन से ये प्रश्न बन सकता है कि सजदा और पबोस की जो प्रथा थी है ना या नौरोज की प्रथा थी उसको किसने स्टार्ट किया था तो बलबन ने किया था है ना इस बात को आप याद रखोगे और जो इल्तुतमिश के द्वारा ये जो तुर्कने चहलगानी यानी चालीस लोगों का जो समूह बनाया गया था उसको इसने क्या किया था खत्म कर दिया था है ना उसके बाद एक इसने सैन्य विभाग की स्थापना की थी जिसको हम लोग दीवाने अर्ज के नाम से जानते हैं तो आई होप इससे रिलेटेड जो भी डाउट थे आपके क्लियर हो गए होंगे है ना बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगला प्रश्न क्या बोल रहे हैं कि ये स्टेटमेंट यानी रीजन से आपके क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा और जैसे 2016, 17 सिक्स की जब आप पेपर देखेंगे और जब 21 पे आएंगे तो आपको एनालाइज जब आप करेंगे तो आपको लगेगा कि एसरसन रीजन के क्वेश्चन हर साल क्या है बढ़ रहा है तो आपके एसरसन रीजन के केवल तो बिल्कुल नहीं चलने वाला है ना तो करते हैं नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बहुत आसान होते हैं थोड़ा सा कॉमन सेंस और थोड़ी सी जानकारी से आप इसको कर सकते हैं सबसे पहले क्या है कि एसरसन आपका क्या बोल रहा है कि भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के दादा भाई नोरोन ने 1866 में

तो एक पारसी समुदाय से आते थे और ये बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे यहां पे जब ये भारत में देख रहे हैं कि भारत में जिस प्रकार की चीजें अंग्रेज प्रमोट कर रहे हैं दुनिया को दिखावा कर रहे हैं वैसी चीजें ये भारत में कर नहीं रहे तो इसी के रिगार्डिंग इन्होंने क्या किया कि भारत भारत की जो जो बात है यानी में अत्याचार अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा है उसको एक संगठन के द्वारा ब्रिटेन में मतलब ब्रिटेन की सरकार के पास या ब्रिटेन की जनता के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके इसी के रिगार्डिंग इन्होंने क्या किया 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना करी तो हम लोग का जो स्टेटमेंट है वो क्या वो है वो करेक्ट है ना बाकी हम लोग रीजन की बात करें वो ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे तो ये भी क्या है सत्य है और ये ये इसका इसका क्या करता 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 है ये इसका करता है है एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन सॉरी तो हम लोग का आंसर क्या होगा आंसर होगा कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है अब आपकी एग्जाम की दृष्टि से दादा भाई नोरोजी इतने ज्यादा महत्वपूर्ण है कि दादा भाई नोरोजी से हर बार एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलेगा अब कैसे कैसे प्रश्न दादा भाई नोरोजी से आते हैं तो आपको याद रखना है कि दादा भाई जो आप ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी देखते हैं ना ड्रेन ऑफ वेल्थ ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी यानी जो धन निष्कासन का सिद्धांत था उसको किसके द्वारा दिया गया था तो दादा भाई नोरोजी के द्वारा दिया गया था और दादा भाई नोरोजी ने जो एक बुक लिखी थी पोवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया उस बुक में इन्होंने क्या किया था जो भारत से जो धन जा रहा है उसको उजागर किया था कि कैसे अब ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी नि धन निष्कासन होता क्या है जैसे मान लीजिए यहां पे इंडिया है, है ना यहां पे मान लीजिए ब्रिटेन है अब इंडिया से कोई भी चीज है वो मतलब धन के रूप में पैसे के रूप में या चाहे संसाधन के रूप में जैसे मान लीजिए ब्रिटेन जा रहा है अब ब्रिटेन से इसके बदले कुछ नहीं मिल रहा है भारत को तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे ड्रेन ऑफ वेल्थ बोलेंगे यानी धन का निष्कासन बोलेंगे इसको और जनता के सामने लाने का काम किसके किस द्वारा किया गया था तो दादा भाई नोरजी के द्वारा किया गया था इनको एक टाइटल दिया जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया है ना तो इनसे रिलेटेड जो भी इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है उसके बाद अगर हम लोग बात करें 1885 के बाद जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना हुआ तो दादा भाई नोरजी उसके एक बहुत प्रमुख लीडर के रूप में आए और इन्होंने कांग्रेस को थ्री टाइम्स कितने टाइम्स तो तीन बार इन्होंने प्रिसाइड करने का काम किया है ना तो इससे रिलेटेड इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है आई होप आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे है ना प्रथम अध्यक्ष राइट तो बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ हम लोग का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का क्या नाम था अब देखिए आपके एग्जाम में क्या होता है ना जब माइनस मार्किंग है आपके, आपको पता है कि आपके एग्जाम में क्या है वन थॉर्ड माइनस मार्किंग है तो कई बार क्या होता है ना जैसे कि मान लीजिए आपको बिल्कुल मतलब तुक्का तो बिल्कुल नहीं लगाने हैं अब जैसे कि मान लीजिए आपको चार फोर ऑप्शन है उन फोर ऑप्शन में आपका दिमाग कहीं पे भी नहीं काम कर रहा है ए होगा बी होगा सी होगा डी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो उस टाइप के क्वेश्चन को छोड़ के आने में ही भलाई है है ना तो इस टाइप के जैसे कि मान लीजिए अब ये क्वेश्चन अगर जैसे मान लीजिए आपको आ रहा है आपने देखा है तो एक बार एक मिनट में आप करके निकल जाओगे लेकिन अगर नहीं आ रहा है आप नहीं देखा है तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ना तो इसमें क्या था कि 1921 में यानी जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था क्या yeah? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन के दौरान एक व्यक्ति थे मनोरंजन प्रसाद तो मनोरंजन प्रसाद ये छपरा जो बिहार का में एक जगह पढ़ता है तो वहां पे एक टीचर थे इन्होंने फिरंगिया नाम से भोजपुरी में एक लोकप्रिय कविता लिखी थी और इस कविता के थ्रू उन्होंने जो उपनिवेशवाद है उस पर प्रहार किया था तो ये आपको याद रखना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में है तो अब आपको यहां से ये समझ में आ रहा है कि जब आप क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं ना क्वेश्चन देख रहे हैं तो आपको उसको क्या करना है टॉपिक वाइज कैटेगराइज करना है कि या कि यानी कहां से किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बन रहा है तो इसको देख के आपको ये लग रहा होगा आपको ये सोचना चाहिए कि आपको जो जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं चाहे वो इंडियन नेशनल मूवमेंट के दौरान जितने इंपॉर्टेंट बुक्स इंडियन लीडर्स के द्वारा लिखे गए थे उनको करके ही जाना है उसके बाद जो हाल ही में जो चर्चा में जो बुक है है हाँ ना चाहे वो फ्रीडम मूवमेंट पे लिखी गई हैं तो उसको भी आपको करके जाना वहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा है हाँ ना तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है अब देखिए क्रोनोलॉजी से कितने सारे क्वेश्चन बन रहे एक दो नहीं मतलब मैंने केवल अब आप, आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन उठाए हैं और हिस्ट्री के क्वेश्चन कितने आ रहे हैं बीस से पच्चीस क्वेश्चन आ रहे हैं यानी ये वाला सेक्शन आपके लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है कि मतलब अगर हिस्ट्री के सेक्शन पे आपका बहुत अच्छा कमांड है तो आपके लिए जो सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी जो बनने की जर्नी है वो उसको बिल्कुल आसान करने वाला हिस्ट्री है ना तो आपको हर रोज सात बजे इस सेशन के लिए जुड़ जाना है और तो इसमें आपको देखने आप हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्रोनोलॉजी से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं उसको कैसे आसान बना के हम लोग करेंगे है ना तो क्वेश्चन क्या है कि करजन वायली की हत्या खुदीराम बोस को मृत्युदंड बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का आरंभ अबुल कलाम आजाद द्वारा अल हिलाल का प्रकाशन यहाँ पे इंग्लिश इसका वर्जन है क्या है कि ऑफ ऑफ करजन एग्जीक्यूशन बोस तीसरा है स्टार्टिंग ऑफ केसरी न्यूज पेपर बाई गंगाधर तिलक चौथा क्या है स्टार्टिंग ऑफ द अल हिलाल न्यूज पेपर बाई अबुल कलाम आजाद अब इसमें क्या है ना अगर आपको डेट याद है इन चारों के डेट याद है तब तो आप कर पाओगे है ना लेकिन क्या होता है ना कई बार क्या होता है जब हम लोग एलिमिनेशन टेक्निक की बात करते हैं तो हम लोग के पास बहुत कम से कम इंफॉर्मेशन के साथ कैसे इस टाइप के भी क्वेश्चन को कर सकते हैं अब देखिए अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी आपको एक ओवरव्यू आइडिया है है ना जो जो शताब्दी का जो प्रारंभिक दशक है उसका अगर आइडिया है तो अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो जैसे हत्या है जैसे खुद करजन वायली की हत्या है खुद राम बोस की मृत्यु दंड है तो बीसवीं शताब्दी का जब ये प्रारंभिक दशक था खासकर अगर हम लोग बात करें ये 1905 यानी 1905 यानी जो स्वदेशी आंदोलन था स्वदेशी आंदोलन के बाद जो एक उग्रवादी चरण के रूप में आपको देखने को मिलता है तो उसमें इस प्रकार की घटनाएं ज्यादा देखने को मिलती है तो ये क्या होगा तो ये आपको ये समझ में आ रहा है कि ये बीसवीं शताब्दी के प्रारंभिक दशक की घटना है हाँ उसके बाद अबुल कलाम आजाद की बात करें तो ये भी बीसवीं शताब्दी में ये काफी ज्यादा सक्रिय थे लेकिन एक चीज बात करें बाल गंगाधर तिलक तो बाल गंगाधर तिलक क्या था वो 1893 में 1895 में उससे पहले भी सक्रिय थे और यहां पे अगर हम लोग बात करें तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो केसरी पत्रिका यानी जो हम लोगों ने कल वाला जो सेशन लिया था और इसके पहले यानी जो पहला वाला सेशन था उन दोनों में एग्जाम में यानी आप ये मान के चलिए कि बाल गंगाधर तिलक के उनके कार्यो से लेके है ना कार्यो में क्या क्या आ सकता है चाहे होम रूल लीक की बात करें होम रूल लीक की बात करें चाहे अच्छा उनकी जो जिन्होंने उन्होंने पत्रिका लिखी थी चाहे केसरी की बात करें या मराठा की बात करें हर साल क्वेश्चन एक या दो देखने को मिल ही रहा है तो आपको बाल गंगाधर तिलक पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है ना तो केसरी पत्रिका के संपादक इन्होंने एटीन हंड्रेड एटी एटी वन में की थी एटी एटी वन में की थी अब आपको लग रहा है कि ये बीसवीं शताब्दी के दर्शक है अब ऐसा कौन सा है जिसमें तीसरा पहले पे है तो तीसरा पहले पे किसमें किसमें है तो ये तो पहला में हो या तो पहला होगा नहीं तो चौथा होगा बी और ये तो नहीं होने वाला है उसके बाद अगर बात करें तो ये अगर आप थोड़ा थोड़ा सा इसका जैसे मान लीजिए अब क्या होगा फिफ्टी अगर इसमें आप सॉल्व कर रहे हैं ना तो फिफ्टी फिफ्टी चांसेस है ना पे आप ले सकते हैं लेकिन और भी जो एक दो और ऑप्शन के थ्रू हम लोग अपने उत्तर तक पहुंचने का काम करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे करजन वायलि की हत्या कब की गई थी और यहाँ पे खुदीराम बोस खुदीराम बोस।, खुदी बोस के बारे में तो सब जानते हैं कि 1908 में जो बिहार में एक जगह पड़ता है मुजफ्फरपुर तो मुजफ्फरपुर में एक जज थे किंग्स फोर्ट तो किंग्स फोर्ट पर उनके बम फोड़ने के आरोप में इनको फांसी दी गई थी किनको 1908 में 1908 में इनको बम फटने के आरोप में फांसी दी गई थी और अगर बात करें सबसे कम उम्र में फांसी किनको दी गई थी सर किसी और कलर से लिखिए अच्छा बिल्कुल कलर दूसरा यूज कर लेते हैं हाँ ठीक है तो ये क्या था 1908 में क्या किया गया था खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी उसके बाद कर्जन वायली हत्याकांड की बात करें तो 1909 में 1909 में के द्वारा की गई थी तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मदन लाल धिंगरा मदन लाल धिंगरा के द्वारा करजन वाली की हत्या की गई थी और करजन वाली थे कौन तो आपको पता होगा कि 1858 यानी रिवोल्ट ऑफ एटीन के बाद यानी रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद एक पद सृजित किया गया था और वो पद क्या था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी भारत सचिव का जो पद सृजित किया गया था उसके रिगार्डिंग पहले जो भारत सचिव कौन थे लॉर्ड स्टैनली आपको ये याद रखना है लॉर्ड स्टैनली तो उसी समय में ये पहले थे प्रथम सचिव थे तो आप यहां पे देख पा रहे जो करजन वाली था वो क्या था ये उनका सचिव था यानी जो भारत सचिव 1909 में थे उनके क्या थे वो एक सचिव थे तो उनकी हत्या मदन लाल ढिंगरा के द्वारा 1909 में किया गया था अगर उसके बाद अगर हम लोग बात करें अबुल कलाम की इन्होंने एक पत्रिका निकाली थी अल हिलाल तो अल हिलाल की इन्होंने कब निकाला था 1912 में निकाला था अब यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि ये एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है सबसे पहले ये कि अल हिलाल पत्रिका के संपादन कौन थे दूसरा चीजें ये इसका प्रकाशन कब हुआ था और तीसरा चीजें ये कि ये बंद कब कर दिया गया था है ना तो 1914 में आपको याद रखना है यानी ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था इसको बंद भी करा दिया था तो अब इसको अब देखते हैं आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल गई तो आप इसको अरेंज करते हैं तो सबसे पहले क्या होगा सबसे पहले क्या होगा या तो तीसरा होगा एटी एटी वन तो तीसरा किसमें किसमें है पहले पहले में है और डी में है उसके बाद क्या होना चाहिए तो दूसरा होना चाहिए तीसरे के बाद दूसरा तीसरे के बाद दूसरा इसमें है। उसके बाद पहला करजन वाली खत्या उसके बाद ये ट्वेल्व है ना तो हम लोग का आंसर क्या होगा ए होगा तो आपको ये मेथड अपनाने है, हाँ ना? कई बार क्या होगा आपको दो ऑप्शन की जरूरत पड़ जाएगी कई बार एक ही ऑप्शन में हो जाएगा है हाँ ना तो ये इससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स डाउट्स हैं आई होप सारे सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे है हाँ ना बढ़ते क्वेश्चन की तरफ हम लोग का इलेवन नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस राजाओं के द्वारा जनता को प्रत्यक्ष रूप यानी कौन से ऐसे राजा थे जिनको जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था है हाँ ना हम लोग इसमें इंग्लिश वाला वर्जन देखते हैं फॉलोइंग किंग एंड पब्लिक है अब इसको कैसे करेंगे फिर elimination method. Elimination method कैसे? आप यहां पे देख पा रहे हैं जैसे कि मान लीजिए ना आपको ये पता आपको कोशिश करना है ना कि जिसमें आप कंफर्म है ना जिससे हंड्रेड परसेंट श्योरिटी है तो उसको वहां से ऑप्शन को हटाना है एलिमिनेट करना है अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक जो ऑप्शन है हर्षवर्धन हर्षवर्धन के बारे में तो जनरली सबको पता है अब हर्षवर्धन के बारे में क्या जानकारी होती है कि ये वर्धन वंश वर्धन वंश या इनको पुष्यभूति वंश भी बोलते हैं पुष्य पुष्यभूति वंश से ये संबंधित है अब क्या हुआ था वर्धन वंश ये पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी पुष्यभूति पुष्यभूति ने और उनके दो लड़के थे कौन कौन एक हर्षवर्धन और राज्यवर्धन तो राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन को गद्दी संभालने को मिला तो इनको तो क्या किया था जनता ने मतलब वैसे इलेक्ट नहीं किया था तो हम लोग के जो पहले ऑप्शन है वो तो हट जाएंगे अब पहला ऑप्शन किसमें किसमें है तो पहला ऑप्शन इसमें है ये तो हट गया उसके बाद अगर हम देखने का प्रयास करते हैं तो जब हम लोग चंदेला डायनेस्टी की बात करते हैं तो चंदेला डायनेस्टी में यशु वर्मन का नाम आता है और चंदेला डायनेस्टी के जितने रूलर थे है ना उनमें क्या था कि उसको चुनने का काम किसने किया था जनता के द्वारा नहीं किया गया था तो यशो वर्मन ये, ये चंदेल डायनेस्टी से है ना तो अब आपके ऑप्शन थ्री भी हट जाते हैं ऑप्शन किसमें किसमें है तो यहां पे आप देख पा रहे हैं इसमें है और इसमें है हम लोग का कौन सा ऑप्शन बच जा रहा है ऑप्शन सी तो क्या होगा हम लोग अपने सही आंसर तक पहुंच गए है ना तो ये आपको एलिमिनेशन मेथड आने चाहिए और हर प्रश्न में अप्लाई करने का प्रयास करिए है ना तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा यानी गोपाल और ये नंदीवर्मन पल्लव ये ऐसे दो व्यक्ति थे जिनको जनता के द्वारा चुना गया था और जनता के द्वारा क्यों चुना गया था क्योंकि इनके टाइम पीरियड में एक अव्यवस्था मतलब समाज में अव्यवस्था फैल गई थी कोई उतना मतलब शक्तिशाली शासक नहीं था इसके कारण क्या किया था जनता ने इनको खुद राजा चुना था है ना आई होप इससे रिलेटेड जो भी डाउट थे आपके क्लियर हो गए होंगे वर्धन हर्षवर्धन से रिलेटेड और कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इसके राजधानी परिवर्तन को लेके क्वेश्चन बन सकते हैं कैसे किसने स्टार्टिंग में इनकी राजधानी थानेश्वर थी है ना जो कि कहां पे पड़ता है हरियाणा में पड़ता है बाद के दिनों में इसको इन्होंने कहा कर दिया तो कन्नौज कर दिया इन्हीं के टाइम पीरियड में एक चीनी यात्री आया था वो चीनी यात्री कौन था तो हौश हर्षवर्धन सांग है ना इसको भी आपको याद रखना हैंग एक चीनी यात्री था जो कि हर्षवर्धन के दरबार में आया था बाकी के हम लोग जब थ्योरी वाला पार्ट करेंगे तो एक एक रूलर को एक एक डायनेस्टी को बहुत शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं ना तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग का को अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था है ना तो ये क्या यानी ये डायरेक्टली पूछ क्या रहा है कि सेकेंड जो दूसरे सिख गुरु थे वो कौन थे है ना तो आपको पता होगा कि दूसरे सिख गुरु कौन थे गुरु अंगद है ना अब आप, आपको ऑप्शन में तो दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे इंग्लिश वाला देख लेते हैं कि थे, थे? विच पे आप ऑप्शन देख पा रहे हैं तो बाला लहना मर्दाना श्रीचंद ऑप्शन में तो नहीं है लेकिन यहाँ पे क्या है ऑप्शन में है जो लहना है इन्हीं का क्या था ये लहना को ही इन्होंने क्या क्या था अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था बाद के दिनों में जो लहना थे ये गुरु अंगद देव के नाम से जाने गए थे है ना तो आपको आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी आज अब हम लोग जब थ्योरी वाला पार्ट डिस्कस करेंगे तो एक एक धर्म को सिख धर्म को बौद्ध धर्म को जैन धर्म को वैदिक धर्म को सारे धर्मों को पढ़ने वाले हैं ना शानदार तरीके से तो बढ़ते ने अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है कि मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था है ना अब आपको पता है ये क्वेश्चन आसान की कैटेगरी में रखेंगे है ना 17 -17 में क्या हुआ फरुख्सियर का नाम सुने होंगे आप लोग के द्वारा बंगाल में अब इन चार ऑप्शन में से एक व्यक्ति को क्या किया गया था चुना गया था बंगाल का अंतिम सूबेदार और आपके ऑप्शन में देखना चाहता हूं कुंदन यादव सॉन्ग, सॉन्ग हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ तो आपके ऑप्शन इसमें से क्या होगा मुर्शीदुली खान सरफराज खान सुजाउद्दीन मोहम्मद खां या अलीवर्दी खां यहां पे आप देख पा रहे होंगे द लास्ट सूबेदार ऑफ द बंगाल वॉज अपॉइंटेड बाई मुगल एम्पर कौन कौन थे इसमें से तो आपके आंसर में यहाँ पे जानना चाहता हूँ ऑप्शन क्या होगा सुजाउदीन और सरफराज तो बिल्कुल नहीं होंगे अब आप यहाँ पे या तो मुर्शीद को लिखा होंगे नहीं तो अलीवरदे खा होंगे ऑप्शन आपका जानना चाहते हैं ऑप्शन क्या होगा इसका अलीवरदे खान अलीवरदे खान राधिका देवरा अलीवरदे खान रजनीश शर्मा अलीवरदे खान सबके ऑप्शन ये आ रहे हैं मिस्टर अग्रहारी ए हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा कुली खां कि अलीवर्दी खां बताओ जल्दी बताओ डी ए डी ए डी ए और डी में कंफ्यूज हो रहे हो अच्छा ठीक है देखते हैं सबसे पहले यहां पे देखो कुली खां के बारे में और अलीवर्दी खां के बारे में जो हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो मुर्शीद कुली खां को पहले उन्होंने नियुक्त किया था और अलीवर्दी खां को उसके बाद नियुक्त किया था तो आपको यही याद रखना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा डी 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 ए डी ए अरे यार इतने आसान मतलब इतने आसान सवाल में कंफ्यूज हो रहे हो आपको पता है कि सेवनटीन जीरो जब सेवनटीन जीरो औरंगजेब की मृत्यु हो गई उसके बाद क्या हुआ बंगाल क्या हो गया बंगाल उसके बाद के दिनों में स्वतंत्र होना शुरू हुआ तो उस समय अगर हम लोग ये बात करें कि मुर्शीद पुली खां था कि अलीवर्दी खां था है ना तो इसमें आपका आंसर क्या होगा अलीवर्दी खां होगा कि मुर्शीद पुली खां होगा अलीवर्दी खान अलीवर्दी खान अलीवर्दी खान तो ये इसका आंसर क्या होगा अलीवर्दी खान होगा आप ए में डी में कंफ्यूज हो रहे हो ना अलीवर्दी खान लास्ट जो सूबेदार था जो मुगल बादशाह जो था फरूख उसके द्वारा नियुक्त हुआ था कब तो सेवनटीन हंड्रेड सेवन में इस क्वेश्चन को लेकर थोड़ा सा फैक्चुअल है तो थोड़ा सा मतलब इसको करेक्ट कर लेना एक बार देख लेना मेरे हिसाब से तो अलीवर्दी खान ही होगा है ना तो आई होप बढ़ता है अपने अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग का अगला क्वेश्चन है अब देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन से, से, से अलीवर्दी खान अंकुर यादव अलीवर्दी खान शक्तिमान पटेल ए डी चलो हां ठीक है आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इंडियन नेशनल कांग्रेस आपको पता है जब हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं क्या मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं तो उसमें जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ऐसा एक पार्ट है आपका जिससे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है उसमें देख पा रहे हैं यहां ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्लेस है यानी अधिवेशन के जगह है और ये है, किस साल पे पे अधिवेशन हुआ था तो आपको ये मैच करना है अब यहां पे देख पा रहे हैं तो अब इसमें क्या करना है लखनऊ का जो सेशन था वो 1916 में हुआ था और इसकी इसकी इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी तो अंबिका चरण मजुमदार के द्वारा की गई थी किनके द्वारा की गई थी अंबिका चरण अंबिका चरण मजुमदार के द्वारा इस सेशन की अध्यक्षता की गई थी उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो बनारस सेशन की तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी ऐसे नाइन की बात करें तो ये कानपुर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी सरोजनी नायडू की, की गई थी इसके बाद अगर हम लोग मेरठ सेशन की बात करें तो 1946 में की गई थी आई होप इससे रिलेटेड जो भी डाउट थे आपके क्वाइरीज थे सारे के सारे सॉल्व हो गए होंगे सर क्वेश्चन बड़े वर्ड में टाइप किया करो बिल्कुल बिल्कुल स्वतंत्र पाल बिल्कुल हम लोग स्टार्टिंग से नेक्स्ट सेशन में सारी चीजों को और इंप्रूव करके लेके आएंगे बिल्कुल 1916 बनारस हाँ ठीक 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 तो आई होप आपके मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन बिल्कुल देख के जाना खासकर जो महत्वपूर्ण सेशन है चाहे वो नाइनटीन का हो चाहे एटीन का हो चाहे नाइनटीन का सेशन हो चाहे आजादी के समय का सेशन हो नाइनटीन का सेशन हो

तो, मतलब मैं पढ़ दे रहा हूं आपको प्रॉब्लम नहीं होगा और आप जैसे जो टेलीग्राम है ना आपको टेलीग्राम जो कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम दिया गया उससे आप जुड़ जाओ उसमें सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगे है ना तो वहां पे आपको दिख जाएगा यहां पे आई होप चीजें दिख रही होंगी एक्चुअली क्या क्वेश्चन बड़ा होने के कारण थोड़ा सा फॉन्टिस का छोटा हो गया होगा है ना तो यहाँ पे क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं पहला क्या है जो एसरसन है रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्यागा था तो ये तो बात सत्य है कि 19 कब त्यागा था तो 14 अप्रेल, 14 अप्रैल अप्रैल 1919 में अमृतसर में एक मसक हुआ था और उसी मसक उसी नरसंहार को देखते हुए रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था अपनी नाइट हूड की उपाधि त्याग, त्यागी थी अब रीजन यहाँ पे क्या बोल रहा है असहयोग आंदोलन में पार्टिसिपेट करना चाहते थे जो कि क्या है बिल्कुल गलत है तो हम लोग का क्या होगा सही ए सही है केवल आर गलत है ना अब रविंद्रनाथ टैगोर से और कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं अगर रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो नाइनटीन और केवल ये भारत के ही नहीं ये पूरे एशिया के प्रथम नोबेल अवार्ड भी ना? ये और इनको किस फील्ड में मिला था तो, तो लि लि लिटरेचर के फील्ड में मिला था और किस लिटरेचर पे मिला था तो आपको ये भी याद रखनी है गीतांजलि है ना गीतांजलि पर इन्हों को मिला था और उसके बाद इन्होंने एक विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कहाँ पे की थी वेस्ट बंगाल के कोलकाता में की थी उस विश्वविद्यालय का नाम क्या था शांति निकेतन तो इससे रिलेटेड यानी रविन्द्रनाथ टैगोर से रिलेटेड इन सारी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना है रविन्द्रनाथ टैगोर से आपको पता है इन्होंने जनगण मन लिखा था और रविन्द्रनाथ टैगोर मात्र एक व्यक्ति है जिन्होंने दो देशों का जनगण मन लिखा था एक तो इंडिया का मतलब दो देशों का नेशनल एंथम लिखा था सॉरी एक तो इंडिया का और दूसरा बांग्लादेश का बांग्लादेश का क्या था अमार सोनार बांग्ला है ना तो रविंद्रनाथ टैगोर से आप आई होप ये सारी चीजें आपको पता होंगी और नहीं पता होंगी तो पता चल गया होगा और भी कौन कौन से कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं जैसे उनको गुरुदेव की उपाधि जो दी गई थी वो किनके द्वारा दी गई थी महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी है ना उसके बाद अम, अगर हम लोग ये अप्रैल जो नाइनटीन नाइनटीन था जालियाला बाग मियर की बात करें तो ये अमृतसर में पड़ता है अमृतसर जो पंजाब का एक शहर है वहां पे पड़ता है आई होप इससे रिलेटेड जो भी डाउट है आपके क्लियर हो गए होंगे आज के सेशन में आई होप आपको मजा आया होगा और नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही जुड़ते रहें सात बजे रोज हम लोग लेके आने वाले हैं मतलब ये समझिए कि हिस्ट्री आपके लिए मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके कंधे पर वो मैंने अपने कंधे पर ले लिया है और हिस्ट्री को मैं बता रहा हूँ कि जितने दिन क्लासेस चलने वाली है अगर आप हिस्ट्री के सेशन में जुड़ रहे हैं तो मैं मतलब आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप एग्जाम में आपके इसी स्लाइड से है ना आज जो जो ये क्वेश्चन है है इसका डिस्कशन हो रहा तो मतलब सुबह से पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं लेकिन आप खाना खाते मस्ती करते भी सेशन देख सकते हैं वैसा कुछ नहीं है ना तो आई होप इसमें आपको मजा आया होगा नेक्स्ट सेशन से और भी चीजों को इंप्रूव करके लेके आने वाले हैं खासकर हम लोग पिक्चर्स के थ्रू और नैमोनिक्स मेथड के थ्रू एलिमिनेशन मेथड के थ्रू चीजों को और शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं और आई होप चीजें आपको मजा आ रहा होगा इस सेशन में लास्ट तक जुड़ने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आपको जो भी प्रॉब्लम होगा ना आपको जो भी प्रॉब्लम होगा इस सेशन से रिलेटेड कहीं भी किसी भी चीज को लेके आप सेशन के एंड के बाद जैसे कि ये लाइव सेशन है तो लाइव में जो आप कमेंट करते हैं तो एंड होने के बाद नहीं देख पाते हैं उसके बाद आप कर सकते हैं जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं उसको मैं बिल्कुल देखता हूं यहाँ से जाने के बाद और उसी के अकॉर्डिंग मैं अपने आप को यहाँ पे प्रिपेयर करता हूं नेक्स्ट सेशन के लिए है ना तो तब आपने लास्ट तक बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद मिलता है नेक्स्ट सेशन में